तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहाँ पर BTST, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा म्यूटेड है और जिसने खेला है उसका तो कैपिटल बहुत ही यहाँ पे आई थिंक आप लोग सेफ रहेंगे क्योंकि आप इक्विटी किंग के सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे BTST की बात करते हैं, पहले कल के BTST की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक था कि यहाँ पे पॉलीकैप लुकिंग गुड इन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम था, तो 73 के आसपास था और ये आज 93 के तक गया। आपने कहाँ पर कितना बुक किया? कम से कम मिनिमम 500 रुपये भी आपने बुक किया होगा, तो आपने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया होगा। सो ऐसे ही एक अमेजिंग एनालिसिस आज हम यहाँ पे करेंगे BTST में हम क्या लेके जा सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड सबसे पहले सबको थैंक यू कि कल BTST में सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे अराउंड 85। सो आज यहाँ पे टारगेट लेते हैं आज 85 से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे बात करेंगे तो हमने काफी अच्छा किया और उसके बाद हमने आज स्टॉक्स पे खेला। जो लोगों को नहीं पता तो मेक श्योर टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मैं आपको कमेंट में भी डाल दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका मेंटर यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे जो पोजिशन देखो ये देखो कैसे ये पोजिशन चलती है, और यही फायदा होता है आपको जब आपका मेंटर आपके साथ खेलता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे आज का एनालिसिस। देखो अब दो चीजें हमारे है सामने है, एक है फेड मीट ठीक है और एक है मॉनेटरी पॉलिसी बैठक। फेड आ रहा है थर्सडे को आएगा, ये कब आएगा? थर्सडे को आने वाला है। सो उससे पहले यहाँ पे मार्केट म्यूटेड रहने की हाई बहुत हाई संभावना यहाँ पर जा रही है। तो हम इसको चार्ट एनालिसिस में कर लेते हैं कि चार्ट एनालिसिस में पहले निफ्टी बैंक को यहाँ पे शुरू करेंगे। कल का अगर आप लोगों ने रात का एनालिसिस नहीं देखा होगा, रात का एनालिसिस देखा होगा तो यहीं पर था कि मॉर्निंग में ये जो रेजिस्टेंस है एक बार इसको निकाल देगा तो हम यहाँ पे क्या है जैसे ब्रेक करेगा हम ऐसे करके बाय कर सकते हैं, नहीं निकाला। और यहाँ पे 44,750 ये जो लेवल है इसके नीचे भी नहीं जा पाया। सो करेंटली मार्केट म्यूटेड है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेके जा सकते हैं मैं आप लोगों को इन दी एंड बताऊंगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो यहां पर सब्सक्राइब भी कर देना। निफ्टी 50 की भी बात करेंगे, निफ्टी 50 यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा था लेकिन आज यहां पे ये थोड़ा सा वापस से नेगेटिव आ गया, ये वापस से सेम रेंज में ही फंसा हुआ है। तो मतलब हमें कोई सा भी बड़ा मोमेंटम 640 के ऊपर आएगा या 520 के नीचे आता हुआ यहाँ पे मार्केट दिखेगा। तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, हमें मार्केट को छोड़ देना चाहिए, हमें मार्केट को फ्लैट रखना चाहिए। ऐसे मार्केट में आप यहाँ पे ना बैंक निफ्टी लेके जाओ ना निफ्टी 50 लेके जाओ, मार्केट को छोड़ दो क्योंकि छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में अगर आता है, जैसे हमने कल एनालिसिस किया था स्टॉक का जो हमें आज अच्छा परफॉर्म करके देखे गया, तो स्टॉक का एनालिसिस मैं आप लोगों को इन दी एंड यहाँ पे देखते हैं टेलीग्राम पे हम बता देंगे अगर कुछ रेडार पे आता है। तब तक के लिए मेक श्योर ये जो एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखोगे कि मार्केट हिल ही नहीं रहा है तो हम क्या लेके जाएंगे, सो ऐसे मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड कर देना बेटर रहता है। यस, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो मेक श्योर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को आज लाइक दे देना, 100 लाइक्स मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। आपका आज का दिन कैसा गया मुझे नीचे कमेंट पे बता देना, मैं वहाँ पे सब लोगों को फटाफट वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। तो ये है आज का BTST, जो भी होगा मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। तो चलिए थैंक यू।